बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों का। तो आज और जो है बच्चों टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी लंबी हायर एजुकेशन तक आपको देखने को मिलता है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट। क्या है आप यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर 9 में, टाइम जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सभी को समझना। टाइम क्या होता है ना? तो ये क्या होता है, रोटेशंस होता है, कैसे होता है, टाइम में कितने हैंड्स होते हैं, डू यू नो? आपने देखा होगा क्लॉक में बच्चों क्या होता है, इस तरीके से जो क्लॉक आपका बना हुआ होता है, इसमें क्लॉक में क्या होता है बच्चों, 3 हैंड होते हैं। कितने होते हैं? 3 हैंड्स होते हैं। 1 हैंड जो होता है बच्चों वो हावर्स के लिए होता है, 1 हैंड जो होता है वो मिनट का, और 1 हैंड जो होता है वो सेकेंड्स के लिए होता है। तो नॉर्मली वॉच में क्या होता है, 3 हैंड्स होते हैं इन सभी हैंड्स को। और आजकल क्या होता है वॉच में, कई वॉच में तो 1 हैंड होते हैं, कितनी वॉच में 2 हैंड होते हैं, और डिजिटल वॉच में तो बच्चों हैंड होते ही नहीं, वहाँ पे नंबर होते हैं, राइट? तो सब हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप देखते हैं लेट अस रिवाइज में क्या दे रखा है। करेक्ट, टू बियर्स नीम बिंटू एंड बल्लू आर सिम्बलिंग। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों इस फिगर में, यहाँ पे एक क्या है बच्चों, बिंटू है और एक क्या है बल्लू है, राइट? दोनों जो सिम्बलिंग है, दोनों भाई हैं, दे आर अटेंड इन सेम स्कूल, और ये दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ते भी हैं, आर इन द सेम क्लासेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ये दोनों सेम क्लास में भी है, राइट? सो बोथ द बियर आर एक्साइटेड, दोनों काफी एक्साइटेड है एज दे गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए एकदम से तैयार है। लेकिन आप लोग बच्चों तैयार होते नहीं हो ना, देखो ये बियर जो है काफी एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। ओके, इट इज द फर्स्ट डे आफ्टर द विंटर ब्रेक, और विंटर ब्रेक का फर्स्ट डे था। लेट्स सी, तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लॉक लगी हुई है, राइट, इनके घर में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, हरी अप, जल्दी करो बल्लू, We will be late. It is already 7 o'clock. हम लोग लेट हो जाएंगे, ऑलरेडी 7 बज गया है ना, देख रहे हैं इस क्लॉक में 7 बज रहे हैं ना। तो सो कह रहे हैं ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी 7 o'clock, राइट? सो बियर क्या कह रहा है बच्चों, बल्लू या बिंटू जो भी मान लीजिए, हैव योर ब्रेकफास्ट प्रॉपरली, फटाफट ब्रेकफास्ट प्रॉपरली कर लो। नेक्स्ट कह रहे हैं, वी स्टिल हैव सम टाइम, स्कूल स्टार्ट एट 1/2 hours. कुछ ही समय बाद स्कूल जो हमारा क्या है बच्चों, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले एक्सरसाइज में क्या दे रहा है बच्चों, कि द क्लॉक्स गिवन बिलो शो टाइमिंग्स फॉर सम एक्टिविटीज एट बिंटू एंड बलूज स्कूल्स। तो देखो अभी आपने जो फिगर देखा बल्लू का और बिंटू का, उन दोनों के स्कूल्स में क्या टाइम टेबल्स है, उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो हमें आंसर्स देना है। राइट द टाइम सोन ऑन ईच क्लॉक। अब यहां पे ये क्लॉक आप देख रहे हैं, सभी में अलग अलग टाइम्स है। वन हैज बिन डन फॉर यू, एक हम लोगों को देखिए बताया गया है, और ऐसे ही हमको आंसर्स में लिखने हैं। तो अब यहां पे देखिए इस क्लॉक को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहां पे देखो 12 है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड आफ्टर दैट 12, राइट? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इस क्लॉक में 2 हैंड्स है। तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वॉच हैंड होता है ना बच्चों, वो हैंड जो होता है वो हावर्स का होता है, और उससे जो बड़ा होता है वो मिनट का होता है, और जो सबसे बड़ा होता है ना वो सेकेंड का होता है, जो इसमें है नहीं अभी, राइट? तो टाइम फॉर प्रेयर एंड असेंबली, तो टाइम जो प्रेयर का और असेंबली का क्या टाइम है बच्चों इस वॉच में देख रहे हैं आप, है ना, इस क्लॉक में क्या देख रहे हैं, 7:30, राइट? तो यहां पे क्या हो रहा है, 7:30 लिखा है। अब आप इस क्लॉक को देख करके आपको यहां पे टाइम लिखना है, द टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक यानी लंच जो होता है वो कितना है, 9:30 में हो रहा है बच्चों। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और यहां पे 3:09:30 लिखेंगे। और अगर इस क्लॉक को आप एनालाइज कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं यहां पे, टाइम फॉर म्यूजिक क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस क्या होता है, 11:30 में हो रहा है बच्चों। तो यहां पे आप 11 लिखेंगे और यहां पे 30 लिखेंगे। तो 11:30 में क्या हो रहा है, बिंटू और बल्लू का म्यूजिक क्लासेस हो रहा है, राइट? अब यहां पे देखिए टाइम फॉर मैथ क्लासेस, मैथ क्लासेस क्या हो रहा है बच्चों, 8:15, मतलब क्या हो रहा है 8:15 आप यहां पे लिख सकते हैं।
अब आप यहाँ पे देखिए टाइम फॉर इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस का टाइम क्या हो रहा है बच्चों, 10:15 पे हो रहा है। और स्कूल गेट ओवर, स्कूल कब ओवर हो जा रहा है, 1:30 में हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1:30 लिखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि कैसे टाइम टेबल्स है बिंटू और बल्लू का। और बच्चों कमेंट करके आप भी मुझे बताइए कि आपके स्कूल्स में किस तरीके का टाइम टेबल्स है, राइट। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।